होम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक एडजेक्टिव लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एडजेक्टिव, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अबाउट अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग is called a adjective or describing word। adjective में जो place आते हैं, person आते हैं, animals आते हैं, things आते हैं, उनकी जिनके बारे में बात की जाती है वो adjective कहलाते हैं और describing word भी इन्हें कहते हैं। quality, adjective में quality बताई जाती है। quality के बारे में बताएंगे कि क्या चीज है क्वालिटी में एडजेक्टिव। जैसे सचिन इज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें हमारी क्वालिटी क्या बताई जा रही है, इंटेलिजेंट। तो हमारा ये क्या है, एडवर्ब। द बेबी इज ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल, इस तरह से बच्चों को बताएं एडजेक्टिव। कलर, जिस भी सेंटेंस में कलर की बात होती है बारे में हम बताएंगे कि क्या एडजेक्टिव है क्या नहीं है। दिस इज पिंक लोटस, तो इसमें किसकी बात हो रही है, पिंक कलर आ रहा है, पिंक, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। दिस आर ग्रीन लीव्स, इसमें ग्रीन, ये हमारा कलर में सेंटेंस जो है वो हमारे एडजेक्टिव है जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है। साइज, अब हम साइज की बात करते हैं, जिसमें साइज में जो भी सेंटेंस हमारा होता है साइज का, उसमें क्या एडजेक्टिव है। दिस इज टॉल ट्री, इसमें टॉल की बात हो रही है, लंबाई की, तो हमारा ये एडजेक्टिव है। दिस इज बिग हाउस, इसमें बिग है हमारा एडजेक्टिव, इसमें हमने अंडरलाइन किया। तो इस तरीके से बताएं। अब आते हैं हम नंबर पर। नंबर में जैसे किसी भी सेंटेंस में हम किसी भी नंबर के बारे में बात करी जा रही है वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे आई हैव टू आईज, तो इसमें टू हमारा एडजेक्टिव है। राम हैज सम पेंसिल्स, सम हमारा एडजेक्टिव है, इस तरह से अंडरलाइन करके बताएं। फील, अब हम फील की बात करेंगे। जैसे दिस इज वेरी हार्ड पिलो, मतलब हमने महसूस किया है कि ये पिलो हार्ड है, तो इसमें हार्ड हमारा एडजेक्टिव है। दिस सॉरी, शी इज सैड गर्ल, शी इज सैड गर्ल, तो इसमें हमने फील किया है कि लड़की सैड है, तो हमारा ये क्या आ गया, सैड इसमें एडजेक्टिव है। इस तरीके से बच्चों को सेंटेंस समझाएं, सब तरीके के, कलर के, साइज के, नंबर के, फील के और क्वालिटी के, इस तरीके से बताएं। मैंने ये पिक्चर बनाई है, टेक द करेक्ट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द पिक्चर्स, पिक्चर्स मैंने बनाई है और यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हैं, इसमें एडजेक्टिव पर हमें टिक लगाना है। तो ये मैंगो कैसा है, हमारा मैंगो किस कलर का है, हम इसमें देखेंगे और उस पर टिक लगाएंगे जो भी हमारा एडजेक्टिव है। तो हमारा क्या है, मैंगो येल्लो, तो हमने इसे टिक लगाया। फ्लावर है, प्रीटी है या फिर ब्लैक है, तो हमारा फ्लावर प्रीटी है, हमने प्रीटी पे टिक लगाया। आइसक्रीम हॉट है या फिर कोल्ड है, तो क्या है हमारा एडजेक्टिव, कोल्ड। कॉफी हमारी हॉट है या वाइट है, तो हमारी कॉफी क्या है, हॉट, तो हमने इस पे टिक लगाया। इस तरीके से बच्चों को पिक्चर बना के दे, वर्ड्स दे, और बच्चों को जब बच्चों को एडजेक्टिव अच्छी तरीके से आ जाए तो इस तरीके से बना कर दे वर्कशीट और बच्चे इन पे टिक लगाएंगे। मैच द एडजेक्टिव्स टू द नाउंस, अब हमारे ये एडजेक्टिव है, हमें नाउंस पे टिक लगाना है। जैसे कोल्ड है, तो कोल्ड क्या चीज है, ब्रिज। फास्ट, फास्ट क्या चीज है, कार। फोर व्हील्स। येलो बनाना। ब्राउन रैबिट। फिंगर्स फाइव, इस तरह
अलग बच्चों को मैचिंग करने के लिए दें। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, सर्किल द नाउंस। मैंने सेंटेंस लिखे हैं, जो एडजेक्टिव है उस पे हमें अंडरलाइन करनी है और जो नाउंस है उस पे सर्किल लगाना है। तो हमारा इसमें रैबिट इज अ स्मॉल एनिमल, तो स्मॉल तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव। मैंने इस पे अंडरलाइन की और नाउंस हमारा एनिमल है, तो इस पे सर्किल। इस तरह से बच्चों को सेंटेंस दे अंडरलाइन करने के लिए, सर्किल बनाने के लिए। द जग इज फुल ऑफ मिल्क, तो जग हमारा क्या है, नाउन। इसमें हमने सर्किल लगाया, फुल हमारा एडजेक्टिव है। आई हैव फाइव फिंगर्स, फाइव हमारा एडजेक्टिव है और फिंगर नाउंस है। अ रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज नाउंस है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। इस तरीके से बच्चों को ये बक्शीट इस तरीके से बना करते हैं। बच्चों को इस तरीके से इस डेफिनेशन, कलर, साइज, नंबर्स, फील्स ये सब मालूम चल जाएगा, तो बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटी दे, तो बच्चों को एडजेक्टिव आसानी से समझ में आएगी। थैंक यू।